मेरा नाम भाग्यश्वरी साहू है और मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ और मैं सब्जेक्ट में बैंकिंग ली हूँ और आज का टॉपिक है केवाईसी। केवाईसी क्या होता है? केवाईसी बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला एक प्रचलित टर्म है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स अपने ग्राहक की पहचान और उसके पते को सत्यापित करने के लिए केवाईसी का प्रयोग करते हैं। केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर यानी अपने ग्राहक को जाने होता है। नो योर कस्टमर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केवाईसी की फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होती है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि अपने ग्राहक को पहचानना। इन सबके अलावा जब हम सिम कार्ड लेते हैं तो अपनी पहचान के लिए हम अपना आधार कार्ड वेरीफाई करते हैं। इस प्रक्रिया को भी केवाईसी कहते हैं। केवाईसी कराने के फ़ायदे। फुल केवाईसी क्या है और फुल केवाईसी को पूरा करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? पहला है, आपकी अपने वॉलेट में पैसे रखने की सीमा 10,000 से 1,00,000 में अपग्रेड हो जाती है। और दूसरा, आपके वॉलेट अकाउंट से खर्च करने पर कोई सीमा नहीं होती। और तीसरा, आप किसी अन्य वॉलेट या बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और चौथा, आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेविंग्स अकाउंट खोलने के योग्य हो जाते हैं। इन केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आपके आइडेंटिटी प्रूफ, आपके एड्रेस प्रूफ और आपका हाल ही का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आता है। आप अपनी आइडेंटिटी और आपके एड्रेस प्रूफ में कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड लगा सकते हैं। हालांकि पैन कार्ड सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ होता है, इसमें आपका पता होता है। मैं जो ये तस्वीर दिखा रही हूँ वो आधार कार्ड की तस्वीर है। आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ में अंतर है, ये जो तस्वीर दिखा रही है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।